जय हिंद। ICI एकेडमी के मैथ क्लास में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में स्क्वायर रूट और मॉडुलस के बारे में देखे थे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरली हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे में पहला इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बराबर 3x। इसको जनरली हम लोग सॉल्व करते समय क्या करते हैं कि इसे x से डिवाइड कर देते हैं, है ना। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, जनरली बोले कि x को एक x से काट देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि x बराबर 3, ये आंसर निकल जाता है। लेकिन हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो x बराबर 3 इसका सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन इसका है जो हमें छूट जा रहा है, x बराबर 0। इक्वेशन में हम 0 रखे तो LHS भी 0 आएगा, RHS भी 0 आएगा, इसका मतलब कि 0 भी इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हम ऐसा जब डिवीजन से कैंसिल किए x को तो 3 आया और 0 छूट गया। तो जनरली नहीं, हमेशा क्या करना है कि जब भी हम डिवीजन से कैंसिल करते हैं किसी भी वेरिएबल्स को, तो हमेशा याद रखना है कि वो मेरा आंसर जो हमारी आएगी उसमें कुछ कम आ जाएगा, एक रूट्स कम आए, दो आए, तीन आए। इसलिए रिमार्क्स को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने लिख दिया है कि कैंसिलेशन बाय डिवीजन जनरली लीड लॉस ऑफ रूट्स। क्या करता है, जो जितने रूट्स आने चाहिए थे उससे कम आता है, पूरे रूट्स नहीं आए, पूरा रूट्स नहीं आएगा। इसलिए करना क्या है, कैंसिलेशन बाय डिवीजन शुड नॉट बी डन। क्या नहीं करना है हमको कि इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें डिवीजन से कैंसिलेशन नहीं करना है। एक्चुअली इसका राइट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर 3x, इसको LHS में लेके आएंगे 3x को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से आ गया, अब दोनों रूट्स आ जाएंगे यहां से, अगर आइदर x 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 होगा। तो यहां से आ गया x बराबर 0 और x बराबर 3, दोनों रूट्स आ गए। तो हमेशा मतलब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जनरली हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि ऐसा कर देते हैं। तो अब यही क्वेश्चन रहता अगर ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से रहता, 3, बी के ऑप्शन में 0, सी में 3 0, डी में ऐसा करके, हम लोग क्या करते हैं, अगर जल्दी जल्दी में एक्स एक्स को काट देते, 3 टिक मार के आ जाते, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो सही है, इसका सही पूरा जवाब क्या होगा, 3 और 0। तो इस रिमार्क को ध्यान में रखना है, इस रिमार्क को भूलना नहीं, हमेशा जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि डिवीजन कैंसिलेशन बाय डिवीजन यूज नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स बराबर माइनस एक्स, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर। इट मीन्स क्या, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, डिवीजन नहीं करना है। पहला कॉन्सेप्ट हम देखे थे कि डिवीजन से काटना नहीं है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 0। अब यहां से दो आंसर आ गया, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1। अब देखिए सबको लग रहा हो कि हमने जो किया सही किया है, जो आंसर आया है पूरा सही है। अब थोड़ा सा जरा सा चेक करिए सही है कि नहीं है, एक्स की जगह 0 रखिए, सेटिस्फाइड करता है, दोनों तरफ LHS भी 0 आएगा, RHS भी 0 आएगा। अब एक्स की जगह 1 रखिए, पुट एक्स बराबर 1 इन क्वेश्चन। अब देखिए एक्स की जगह 1 रखेंगे तो LHS क्या आएगा, LHS आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1, और RHS क्या आएगा, माइनस एक्स है मतलब क्या, माइनस 1। अब देख लीजिए इस चीज को,
क्या किए जिसके कारण, यहाँ देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आया, मतलब कि एक्स बराबर एक जो है, जो क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दी। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते समय जब भी मेरा रूट आएगा तो उसमें एक्स्ट्रा रूट आ जाएगा। अब हम रिमार्क को पढ़ेंगे, क्या है कि ऑन स्क्वायरिंग एक्स्ट्रानियस रूट में अपीयर्स विच आर रिमूव्ड बाय एग्जामिनिंग द गिवन इक्वेशन। यानी जब भी हम स्क्वायर करेंगे या क्यू करें या पावर चार करें, यानी जब भी हम पावर इंक्रीज करेंगे तो मे भी ऐसी संभावना है कि एक्स्ट्रा रूट उस हमें निकल जाए। तो उसमें से हमको करना क्या है कि रूट का टेस्ट करना है, जो भी क्वेश्चन दिया गया उसमें रख करके कि जो एक्स्ट्रा रूट है वो सही है कि नहीं है। अब जैसे में इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा एक्स बराबर जीरो ओनली, दूसरा कोई आंसर सही नहीं होगा। एक क्यों आया? स्क्वायरिंग के कारण। तो जब भी स्क्वायरिंग करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, सवाल बनाने के लिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर करना है, बट किस चीज का ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट है उसका फिर हमको एग्जामिनिंग भी करना है, टेस्ट भी करना है, जांच चेक करना है उसमें रख करके कि जो रिजल्ट आया है वो सेटिस्फाइड उसको कर रहा है कि नहीं। जो रिजल्ट सेटिस्फाइड करे वो मेरा आंसर हो गया, जो रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं करे वो मेरा आंसर नहीं होगा। ऐसा करते अब देखिए, अब आंसर में अगर ऑप्शन वाला सवाल आता है, ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए जाते और एक ऑप्शन में जीरो एक होता, एक में जीरो होता, दूसरा में एक होता, ऐसे करके कुछ होता, तो हम लोग क्या करते, जीरो एक लाते, मतलब जल्दी में ये आंसर टिक मार, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो क्या करना है, जब भी स्क्वायरिंग करे, क्यू करे या पावर, यानी कोई भी दोनों तरफ अगर कितना भी पावर करते हैं, उस समय हमें हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्वेश्चन में रख करके चेक करना है, एग्जामिनिंग करना है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता, जनरली आप लोग के पास भी जाता, आप लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बटे एक्स माइनस टू बराबर जीरो। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स माइनस टू चूंकि इधर है तो उधर भेज देते हैं, ये होता है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो कर देते हैं। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो x का मान निकालते हैं, 2x माइनस एक्स प्लस टू, ये सबको आता है फैक्टराइजेशन करने, x कॉमन ले लिए x माइनस टू, माइनस वन कॉमन लिए, इसमें बचा x माइनस टू, अब दोनों टर्म में x माइनस टू है तो x माइनस टू को कॉमन ले लिए, इसमें बचा x, इसमें बचा, अब चलिए आ गया आंसर x बराबर दो और x बराबर एक। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन में क्या दिए, दो एक, एक में एक, एक में दो, एक में तभी। अब देखिए हमारे पास अगर ये सामने ये क्वेश्चन आता, जनरली हम लोग सॉल्व करते समय क्या करते, ये चीज कर देते, आंसर निकाल लेते दो और एक और टिक कर देते, आपको लगता कि हम सही बनाए हैं, लेकिन क्या हो गया, ये गलत है। गलत क्या है, गलत क्यों है, इस चीज को ध्यान में रखना है। हमने ये जो डिनोमिनेटर दिया x माइनस टू, इसको ध्यान में नहीं रखा। अब देखिए जब x बराबर दो अगर इसके सॉल्यूशन में हम लेंगे तो ये जो चीज है इसका LHS, यानी क्वेश्चन का LHS, यानी जब पुट x बराबर दो तो क्वेश्चन का जो LHS होगा वह क्या हो जाएगा, ऊपर भी जीरो होगा, नीचे भी जीरो होगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा। इस चीज के लिए मैथमेटिक्स में एक वर्ड आया है कि इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, यानी इसका मान डिटरमाइन नहीं हो सकता है। कहने का क्या मतलब हुआ, जब x बराबर दो लिए, आरएचएस तो मेरा जीरो है, यानी आरएचएस मेरा एकदम डिफाइंड टर्म है, डिफिनिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलएचएस क्या आ जा रहा है, मीनिंगलेस हो जा रहा है। एलएचएस क्या हो जा रहा है, मीनिंगलेस, इनडिटर्मिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन में क्या नहीं होगा, x बराबर दो नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
सही क्या होगा कि x बराबर केवल एक आंसर होगा, क्या होगा आंसर, x बराबर केवल वन। यानी हमने किस चीज को ध्यान नहीं दिया, तो हमने जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन था उसका ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब रिमार्क को पढ़ना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर इज, यहां पे मिस प्रिंट है, नेवर जीरो या नॉट जीरो। यानी क्या क्या जीरो नहीं होता है कभी भी, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब अब देखिए, अब मेरा राइट सॉल्यूशन क्या होता, हमको इतना करना था और साथ में एक चीज और क्या करना था कि डिनोमिनेटर था x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x डज नॉट इक्वल टू दो। अब तीनों को मिला करके आंसर लिखना था, अब आंसर वही होगा जो इसको और इसको सेटिस्फाइड करे, तीनों को, तीनों का जो कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या होगा, अब ये कह रहा है दो और एक और एक कह रहा है दो नहीं, कॉमन क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या होगा, केवल एक। एक और कंसेप्ट की ओर आते हैं और देखते हैं कि चौथा कंसेप्ट क्या है, यानी इक्वेशन सॉल्व करते समय हम हमेशा इस ये सब चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा आप लोग को कि मॉड एक्स है पावर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस होगा, बराबर एक है, हम लोग एक को क्या लिखते हैं, मॉड एक्स का पावर जीरो, जनरल यही करेंगे ना कि इधर मॉड एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है और राइट साइड में एक है, तो एक को किसी भी नंबर के पावर में जीरो, किसी भी नंबर के पावर में जीरो करेंगे तो एक आ जाता है। अब देखिए यहां से करते तो क्या आता, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर जीरो, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस टू बराबर जीरो। अब देखिए यहां से आ गया एक्स बराबर जीरो और x बराबर दो, अब हम लोग को लग रहा है कि हम सही बना दिए, यानी x बराबर जीरो और दो इसका आंसर होगा। हम चलिए एक चीज और कह रहे हैं कि आप पुट x बराबर एक, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या पुट करना है, x बराबर एक पुट करिए, x बराबर माइनस वन पुट करिए, देखिए दोनों के लिए इक्वेशन सॉल्व ट्रू होता है कि नहीं होता है। देखिए एल एच एस में रखिए x की जगह एक, तो एक एक का मॉड और पावर में एनीथिंग, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक के पावर में कुछ भी रहे एक ही होगा। अब देखिए बराबर आर एच एस, माइनस एक रख के देख लीजिए x की जगह, तो एल एच एस क्या आएगा, माइनस एक का मॉड पावर में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक का मॉड प्लस वन पावर में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, दैट इज वन, दैट इज आर एच एस। अब देखिए हमने जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, जीरो और दो। अभी हमने क्या देखा कि इस इक्वेशन को एक भी सेटिस्फाइड कर रहा है और माइनस एक भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या किए कि मेरा दो रूट छूट गया। तो जब भी अब हम रिमार्क को देखेंगे, रिमार्क क्या कहता है कि हमेशा याद रखना है, इसको ठीक कर लीजिएगा कि यह a के पावर में एफ एक्स बराबर a के पावर में यह जी एक्स, यानी जब भी इस प्रकार का अगर एक्सपोनेंशियल हो तो एक चीज हमें क्या करना है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स करना है, जो कि हम किए थे और जिससे आंसर आया था जीरो और दो। अगर इतना करके छोड़ देंगे तो मेरा जो एक्चुअल सोल्यूशन जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो एक और चीज क्या देखिए, जहां पे a पॉजिटिव हो तो हमेशा क्या करना, एफ एक्स बराबर जी एक्स, और दूसरा a बराबर एक, यानी जो भी बेस है उसको एक के बराबर करना है, तब जाकर के मेरा पूरा सॉल्यूशन आएगा। यानी क्या क्या हमको करना था, एक चीज जो करना था वो तो किए, जीरो और दो आया, दूसरा चीज क्या करना था, यह जो बेस है मॉड एक्स, इसको किसके बराबर करना है, एक के बराबर, मतलब मॉड एक्स बराबर एक। और हम आप लोग मेरा मॉडुलस वाला वीडियो जाके देखिए, सॉल्व करने आ जाएगा, यदि मॉड एक्स बराबर एक है एक्स क्या होगा, प्लस माइनस वन। अब जाकर के राइट पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ, एक्स बराबर जीरो माइनस एक एक और दो। तो अभी यानी कुछ इक्वेशन को लेकर के आए थे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, यानी ध्यान में पहला क्या था कि डिवाइडिंग करते समय किस चीज का ध्यान रखना है, कि लॉस ऑफ रूट जो हो जाती है
वो नहीं करना है। दूसरा में क्या था, दूसरा में और पहला में क्या था कि जो कैंसिलेशन नहीं करना है डिवीजन के द्वारा। दूसरा क्या था कि जब भी स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूब करेंगे या कुछ भी करेंगे तो एक्स्ट्रा जो रूट आएगा उसको टेस्ट करके हटाना है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको हमेशा डज नॉट जीरो करने के बाद जो बचेगा उसी को आंसर में लिखना है। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी अगर एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमेशा किस चीज का ध्यान में रखना है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स और साथ में जो जो भी बेस होगा उसको एक के बराबर करके दोनों के साथ जो आंसर आएगा वही मेरा सही आंसर होगा। धन्यवाद।